मानो जायसवाल, क्या गरीबों में हम भ्रष्टाचार का पैसा बांटेंगे? इसकी शुरुआत तो पश्चिम बंगाल से ही हुई थी। प्रधानमंत्री ने कृष्णानगर की बीजेपी उम्मीदवार से जब फोन पर बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 3,000 करोड़ रुपए ईडी ने पश्चिम बंगाल से जब्त किए हैं और हम लीगल एडवाइस ले रहे हैं कि हम ये पैसा कैसे गरीबों में बांटें। मां माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी के लिए क्या प्रधानमंत्री का ये एक बड़ा स्ट्रोक है? क्या आपके लिए आने वाले समय में यह एक बड़ा स्ट्रोक साबित हो सकता है इस चुनाव में? यह मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक। ठीक उसी तरीके से 15 लाख रुपए, ठीक उसी तरीके से काला धन लाएंगे, ठीक उसी तरीके से भ्रष्टाचारियों को अपने गोद में बिठाएंगे, जो चक्की पीसिंग डिप्टी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जिनके ऊपर हवाई जहाज का 700 करोड़ का घोटाला, उनको राज्यसभा का एमपी बना देंगे। तो देखिए, भाजपा जो है ना, मोदी जी ने आज क्या किया है, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, इनका नाम भी चेंज हो गया, पता कि नहीं आपको? अब जनता दूसरे नाम से भाजपा को बुलाती है, बोलती है भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी। तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको मोदी जी ने गोद में बैठा लिया। जुमला मोदी जी से अच्छा कोई दे ही नहीं सकता, और पार्टी तो इनकी ही है। तो जो पार्टी जिस नाव में सवार है वो नाव डूबते जा रही है। 2 चरण में 190 सीटों में इलेक्शन हो गया है, पिछली बार से आधा हो गए लोग। अभी सचिन पायलट जी ने बड़ा अच्छा बोला था, नॉर्थ में हाथ दक्षिण में साफ। तो बीजेपी का हो गया डब्बा गोल, अब आएगा टेररिस्ट, अब आएगा नया आतंकवादी, अब आतंकवादी। अरे भैया, लेकिन जब वो कह रहे हैं गरीबों को लूट का पैसा देंगे तो गरीब उनकी बात पे भरोसा क्यों नहीं करेगा भाई? 10 साल से सर वोट दे रहा है उनको। ये बात हथियारों से भाई, अरे जब आए थे 2014 में तो 15 लाख का बोला था, आज तक करीब 15 लाख हो गए। उसके बाद कितने चुनाव हुए? उसके बाद कितने चुनाव हुए? 2019 भी हो गया, अभी 5 राज्यों का हो गया, 2019 में आपके 18 सीटें लेकर आए। तो वही बोल रहा हूँ, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, अब समय आ गया। उन्होंने वापस जनता को याद दिला दिया, हमने नहीं, मोदी जी ने खुद याद दिला दिया। देखो, मैंने 15 लाख का चुनाव था। अच्छा ठीक है, ओके। लेकिन अगर जनता को उस पर भरोसा नहीं था या जनता ने उस बात पर खुद को ठगा महसूस कर रही, तो चुनाव दर चुनाव बीजेपी जीत क्यों रही है? मैं इस पर आऊंगा, लेकिन रुकिए संगीत रागी, अभी रुकिए, मानव जायसवाल होल्ड ऑन, अभी ये सवाल ऑन है, आता आऊंगा। लेकिन संगीत रागी प्रोफेसर साहब, ये बात तो लगातार अब कह रहे हैं विरोधी कि भाई आप कहते हैं कि हम लूट का पैसा गरीबों में बांटेंगे और जिनके ऊपर गरीबों का पैसा लूटने का आरोप है उनको आप साथ ले आ रहे हैं। वो बार बार प्रफुल्ल पटेल गिनाते हैं, अजीत पवार गिनाते हैं, वो छगन भुजबल गिनाते हैं, कितने नाम गिनाते हैं संगीत रागी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं बहुत निर्भीकता के साथ ये बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे नेताओं को अपने पास शामिल किया है जिन पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप है। कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में आप जाते हैं, नदी को क्रॉस करना है तो 90 डिग्री पर आप नहीं क्रॉस करते हैं, धारे के साथ थोड़ा बहना पड़ता है। मुझे लगता है कि यदि इन सारे जो अपराधी हों, यदि उनको भारतीय जनता पार्टी वाकई उनको अपराध मुक्त कर देगा तो जनता इनसे इनकी क्रेडिबिलिटी भी खराब हो जाएगी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अभी के स्थिति में, आज के दिन में, प्रधानमंत्री मोदी की ही एक क्रेडिबिलिटी है, बाकी विपक्ष जो है वो एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। किसी के पिता जेल में बंद थे, किसी का भाई जेल में बंद था, कोई किसी के खिलाफ आय से ज़्यादा संपत्ति थी। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए तो पश्चिम बंगाल का जो लोकतंत्र है वो भ्रष्टाचार और बंदूक का लोकतंत्र है, जिसको हम कई बार कहते हैं कि इट इज़ ए डेमोक्रेसी बाय वायलेंस। पश्चिम बंगाल ही वो सरकार है जहां पर पंचायत चुनाव के बाद लोग 25,000 लोग भाग गए थे, आसाम भाग गए थे, झारखंड भाग गए थे, बिहार भाग गए थे। पश्चिम बंगाल एक अकेली सरकार है जहां पर टेरर किया जाता है, टेरर क्रिएट किया जाता है। संदेश खाली के मामले में आज मानव जायसवाल जी कह रहे हैं गुंडा, एक छोटा सा गुंडा। अरे भाई, ये छोटा सा गुंडा ऐसा गुंडा था जिसके समर्थन में आपकी श्रीमती आपकी मुख्यमंत्री आकर के खड़ी हो गई थी। वो आपका जिला अध्यक्ष था, वो आपका पदाधिकारी था, और आपकी हैसियत और हिम्मत नहीं हो रही थी। अंतिम में कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि 4 मार्च तक इसे हमारे सामने पेश करो। नथिंग डूइंग,
तब जाकर के आप 55 दिनों के बाद आपकी गिरफ्तारी होती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वैसी मुख्यमंत्री हैं जो अपराधियों के लिए जाकर के रोड पर आकर के खड़ी हो जाती हैं, तो आप सोच सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक बात पश्चिम बंगाल से नहीं पूरे देश की हो रही है। ठीक है, आप एक उदाहरण वो दे रहे हैं।